ओके तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डी पब्लिक ब्रॉडकास्ट। मेरे ब्रॉडकास्ट का नाम है, मैं कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट शुरू करूंगा क्योंकि मुझे किसी ने एडवाइस किया था। और ये ब्रॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड का और इस ब्रॉडकास्ट का मैंने नाम रखा है नॉट एपिसोड का ब्रॉडकास्ट का मैंने नाम रखा है दी पब्लिक ब्रॉडकास्ट। सही ना? तो अब जो भी ब्रॉडकास्ट आएंगे वो इस नाम से आएंगे, ब्लॉग्स अलग आएंगे, ब्रॉडकास्ट भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते में एक ब्रॉडकास्ट और एक ब्लॉग इंशाल्लाह आएगा, तो ये मेरा वादा है। कमेंट टू द टॉपिक, आपने टाइटल लेके पढ़ लिया होगा मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर सुनिएगा। मैं तो वैसे तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला जो कुछ जो सब सबको ना पता हो या फिर सबको मालूम ना हो उसके बारे में, या फिर कह सकते हैं कि उसमें बारे में आइडिया नहीं हो। तो करोना वायरस जो है वो 1960 में फर्स्ट टाइम आया था, मतलब आया था कह सकते हैं कि मतलब किसी को हुआ था और वो किसी को बचा था। तो ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, बहुत पहले से जैसे हमारी सदियां चलते हुए आ रही हैं वैसे एक वायरस की भी सदियाँ होती है। और बहुत करोना वायरस के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं डिवाइडेड कि ये चीज़ भी करोना वायरस है, वो चीज़ भी करोना वायरस है, ऐसी कहीं बहुत से वायरस मिल के एक करोना वायरस है ना, वो भी एक वायरस है। और उसमें भी एक खूबियाँ होती हैं, मतलब खूबियाँ नहीं कह सकते, एक किस्म होती है और वो भी बहुत टाइम से चलते हुए आ रही। तो करोना वायरस अभी का नहीं है, 1960 में मैंने कहा मैं नीचे लिंक दे दूंगा आप वहाँ पर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी वैसे तो मैं करोना वायरस के बारे में बहुत सी बातें पता है और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं जो मैं बताऊंगा। और बहुत सी बातों में एक बात है जो शायद मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, मुझे ये मालूम हुई और ये चल रही है आजकल, तो मैं आपको बता दूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे आस पड़ोस में और शायद हमारे जानने वाले हों या नहीं भी हों हमारे आस पड़ोस में, हमें नहीं पता क्योंकि हर चीज़ लॉकडाउन हुई हुई, हर चीज़ बंद हुई है, सिर्फ नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की सिचुएशन ही ऐसी है कि ज़्यादा लोग जमा नहीं करने की जगह पे, वरना हमें नहीं पता किसको है और किसकी वजह से किसको लग सकता है, ठीक है ना। सो हर चीज़ लॉकडाउन हुई है कि बहुत से लोगों के पास शायद किसी चीज़ की कमी पेश हो सकती है। तो इस मामले में अगर हम किसी काम किसी के आ सकें तो बहुत बड़ी बात है, सही ना। पहली बात तो ये, और छोटी सी अगर भी हम मदद कर दें तो ये घर बैठे बैठे नीकी हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत इसमें बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत बुराई नहीं है, और तो ये इसमें हमारा ही फायदा है, सही ना। पहली बात ये, और दूसरी बात ये यार, जितना हो सके अपने हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ करें मैक्सिमम इन 30 मिनट्स, आप हर इन एवरी 30 मिनट्स आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क वेयर करें, घर में ना करें तो सही है, बाहर ज़रूर करें, घर में भी कर लिया तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बाहर ज़रूर करें। बाहर जिस बाहर जा रहे हैं कहीं भी, वैसे तो बाहर जाए नहीं, बाहर निकले नहीं, अगर जा रहे हो तो प्लीज़ मास्क वेयर करो और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करो। करोगे तो खुद का फ़ायदा, नहीं करोगे तो भी खुद का नुकसान है, ठीक है ना। और शायद आपकी वजह से दूसरे और किसी का भी नुकसान हो जाए कि हमें भी नहीं पता कि हमें है कि नहीं है, इसके सिम्टम्स हमें मालूम चलते ही है। बट दूसरी बात ये, अगर आपको ऐसा लगता है, तीसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अचानक से फीवर हो गया है या फिर आपको अचानक से कोई बुखार बुखार बहुत तेज़ बुखार हो गया है और मतलब आपको खांसी आ रही, नज़ला हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें फर्स्ट एंड फर्स्ट, और उनसे पूछेंगे कि हम वायरस का शिकार तो नहीं, क्योंकि नहीं हो गए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। कहाँ हमारे पास 20 केसेस थे और कहाँ हमारे पास 250 केसेस हैं और उसमें 2 डेथ भी हो चुकी है। तो आप समझ लूँगी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास क्योंकि आज बाद मैं आपको क्या बताऊँगी, ऐसी सिचुएशन है। तो उसमें अपना ख्याल रखें, अपने आस पास वालों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, क्या पता किसी किसी चीज़ की नीड हो। इन दी एंड मैं कहना चाहूँगा स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और पहले अपना ख्याल रखेंगे तो किसी का ख्याल रख पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टे सेफ, वंस अगेन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जितना उसके घर में रहो। और ये था मेरा पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट का, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी आएगा और ब्लॉग्स आते रहेंगे, ब्लॉग्स भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में और या किसी और ब्रॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून, पीस आउट, टेक केयर।